तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका, 50th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया वॉज रिसेंटली कंक्लूड इन विच सिटी। तो ये कौन सा हुआ था? गोवा में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच सिटी ऑर्गेनाइज द 47th ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस? तो लखनऊ ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। तीसरा क्वेश्चन है, रिसर्चर ऑफ विच कंट्री हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड अ मैसिव ब्लैक होल इन द मिल्की वे? तो ये चाइना ने करा था। वो वॉज अवार्डेड 2019 कर्मवीर चक्र बाय आईकॉग्नो एंड यूनाइटेड नेशन? तो राहुल अधिकारी वॉज अवार्डेड। अगला क्वेश्चन है, बाला सिंह वॉज रिसेंटली पास अवे वॉज अ फेमस पर्सनैलिटी ऑफ विच प्रोफेशन? एक्टर। फिफ्थ का है एक्टर। हु इज़ द ऑथर ऑफ गरम पहाड़? तो इसका आंसर है अनीता भटनागर जैन, इसका आंसर है। विच फिल्म वॉन द गोल्डन पिकॉक अवार्ड? तो इसका आंसर है बी, पार्टिकल्स। पार्टिकल्स फिल्म वॉन द गोल्डन पिकॉक अवार्ड 2019। फिर नाइन्थ है, विच कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट कंपनी टू लिस्ट कमर्शियल पेपर ऑन स्टॉक एक्सचेंज? तो इसका आंसर है आदित्य बिरला फाइनेंस। अगला क्वेश्चन है टेंथ वाला, विच बैंक इज टू असिस्ट इन स्ट्रेंथिंग पावर कनेक्टिविटी इन चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर? तो इसका आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ए। देख लो, मुझे भी याद है गाइस, आप लोग भी याद कर लेना, इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दिसंबर मंथ के। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ रिकॉग्नाइज जनक जनता पार्टी JJP एज स्टेट पार्टी ऑफ विच स्टेट? तो ये होना चाहिए हरियाणा, इसका आंसर है हरियाणा। उसके बाद यशुरो नाकासोने वॉज वो पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द फॉर्मर PM ऑफ विच कंट्री? जापान, जापान का था। अंगड वीर सिंह बाजवा इज एसोसिएटेड टू विच स्पोर्ट? शूटिंग, देख लीजिए शूटिंग। उसके बाद वो हैज़ बिकम फास्टेस्ट मैन टू रीच 700 टेस्ट रन? स्टीव स्मिथ। नोटेड थिएटर आर्टिस्ट पैरामांडू साहू वो पास्ड अवे रिसेंटली वॉज फ्रॉम विस सिटी? उड़ीसा। तो इस 15th का आंसर है उड़ीसा। और अगर आपको और इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ये नीचे ब्लॉक में आ ही रहा है, तो आप वो भी पढ़ लेना कि किस एज में मरे थे, क्या हुआ था। तो ये ब्लॉक में दिया हुआ है, जो ये थोड़ा सा हेडलाइट है ना, यहाँ वहाँ दिया हुआ है। उसके बाद वो इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द लेगेसी ऑफ मिलिटेंसी इन पंजाब लॉन्ग रोड टू नॉर्मलेसी? इसका है शायद ए, दोना सूरी। तो देख लीजिए, इसका दोना सूरी है। और अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना है तो ये ब्लॉक में दिया हुआ है, अभी पढ़ लेना। मैं आपको जल्दी से क्वेश्चंस बता देता हूँ। और सची सूत्रा साइंस जी की इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ विच टाइप ऑफ स्पीशीज? फिश। अकीतम अच्युतम नंबोत्री वो हैज़ बीन चूजन फॉर द 55 जननपित अवार्ड इज एसोसिएटेड टू विच लैंग्वेज? मलयालम, इसका आंसर मलयालम है। द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लैंडस्लाइड रिस्क रिडक्शन एंड रिसाइलेंस वॉज हेल्ड इन विच सिटी? न्यू दिल्ली। वो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ माइक्रो फाइनेंस पैनल ऑफ द कोड फॉर रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग? इसका आंसर होना चाहिए HR खान, देखते हैं। हाँ, तो इसका आंसर HR खान है। अगला क्वेश्चन है 21, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज UNEP इमिशन गैप रिपोर्ट 2019 द ग्लोबल टेम्परेचर विल राइज बाय हाउ मेनी डिग्री टिल 2100? 3.2 डिग्री सेल्सियस। तो देख लीजिए सही है। सूर्य किरण इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया विद विच कंट्री? श्रीलंका, नेपाल, इसका आंसर है नेपाल। सूर्य किरण, इसे आप कैसे भी याद कर लेना, पर कर लेना, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है ये सब। सूर्य किरण नेपाल। वो वॉन 55th जनपद अवार्ड अकीतम। वो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट चेयरमैन ऑफ स्टीयरिंग कमेटी पैनल ऑन कोड फॉर रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग CRL माइक्रो क्रेडिट? HR खान। द 6th डोर्नियर एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रॉन ऑफ इंडिया, इसका तो आंसर गुजरात है, पता था मुझे। विच वन इज़ द मैक्सिमम फाइन दैट कैन बी इम्पोज बाय द गवर्नमेंट फॉर द मिसयूज ऑफ नेशनल एम्ब्लेम्स? 5 लाख।
Which online trunking platform has partnered with IDFC Bank and Yes Bank to provide FASTag? BlackBuck. The police of which Indian city has recently received a Scotch Award for Clean Station? Clean Station Chennai. Which cricket player has recently become the fastest to reach 7,000 test run? Steve Smith. Ye question repeat ho chuka hai. The Small Industry and Export Corporation of which state has recently launched a web-based geographic information system? Iska answer hai Punjab. Mitra Shakti is a joint military exercise with Sri Lanka ke saath apan ne kiya, to iska answer hai Sri Lanka. Which country has become the first country to make entire Hajj process digital? India. Who has been elected as the new speaker of Maharashtra Assembly? Nana Patole. मैंने इसे नाना पाटेकर से याद किया हुआ है इसलिए एकदम से दिमाग में क्लिक हो गया. Who recently took charge as the new controller general of account? Soma Roy Burman. Which became the first Asian country to be the guest of honor country as the International Book Fair Mexico? India. 13th South Asian Games have recently been inaugurated in which country? Nepal. Who won the women's single title at 2019 Syed Murthy International Badminton Tournament? Carolina Marin. 38. Which city is to organize the third edition of Khelo India Youth Games? Kya hai iska answer? Iska answer hai Guwahati. International Day for the Abolition of Slavery is observed on which date? 2nd December. The National Pollution Control Day is observed on 2nd December every year in order to honor the lives that were lost. ये वाला question है जो भोपाल में एक incident हुआ था ना जहाँ बहुत लोग मर गए थे, तो वो किस गैस से मरते हैं? तो इसका answer है B, मिथाइल से मरते हैं. Who won the 2019 Abu Dhabi Grand Prix title? ये तो मुझे भी नहीं पता. Lewis Hamilton. Which spacecraft of NASA has recently found the crash India moon lander Vikram? LRO. आंसर सही निकला. Carl XVI Gustav, who is on a visit to India, is the king of which country? Sweden. सब याद है तुम्हारे भाई को. Who is the author of the book The Vault of Vishnu? Is आप बताइए जल्दी. Ashwin Sanghi. Who recently became the first woman of Indian Navy to fly Dornier surveillance aircraft? इसका आंसर तो मुझे भी याद नहीं आ रहा है, पर मैं शिवांगी, जहाँ तक मुझे याद है तो शिवांगी होगा. Which income tax act will be amended by the, ये तो सबको ही पता होता है, सी, income tax act 1961. ये क्वेश्चन ऐसा था कि आप किस एक्ट के तहत अमेंड चेंजेस कर सकते हो आप टैक्सेशन लॉ में, तो ये वही द 1961 के तहत कर सकते हो आप. Who has been appointed as the new president of Mauritius? तो इसका आंसर पृथ्वीराज सिंह रूपन. मैंने इसे पृथ्वीराज सिंह चौहान से याद किया हुआ था, तो याद होने से मतलब है आपको कैसे भी याद हो. इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज वॉज सेलिब्रेटेड ऑन दिसंबर अंडर विच थीम? ऑब्वियसली द फ्यूचर इज एसेसेबल. इसका आंसर है बी. वो टुक चार्ज एज द कमांडर इन चीफ ऑफ एंडमैन एंड निकोबार कमांड? इसका आंसर तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, पर मैं बिपिन रावत नहीं, इसका आंसर है पोडाली शंकर राजेश्वर. और ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि फिफ्थ क्वेश्चन.